लेकिन ये जीव जीवन भर अपनी इंद्रियों की पूर्ति करने के लिए हमेशा परेशान रहता है। हमारा आप ही बताइए कि इन इंद्रियों की पूर्ति की जाए या भगवान का भजन किया जाए। हम लोग यहां भक्ति करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इच्छा तो हो ही रही होगी कि सोफा बैठने को मिल जाता तो कितना अच्छा है, तब कथा में और ज्यादा आनंद आता। ये जिज्ञासा है, ये भी भोजन मांग रही होगी कि दो ही रोटी खाकर आए, चार खाकर आते, अब तो बीच में भूख लगने लगी। ये सारी इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। ये स्वभाव है, आप लोगों की गलती नहीं, ये स्वभाव है। तो इन सब इंद्रियों को एकत्र कैसे किया जाए? भगवान ने कहा, मां अलग अलग इंद्रियों को एकाग्र करने की चेष्टा नहीं करो। अगर इन सब को एकाग्र करना है और इनको सीमित करना है तो केवल इनका स्वामी है मन। अगर हमने अपने मन को अपने वश में कर लिया तो इंद्रियां अपने आप ही वश में हो जाए। ये जिब्या तो रोज रसगुल्ला मांगी थी, ये रसगुल्ला चाहिए। विचार करो, और रसगुल्ला के लिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो खोआ बनाना पड़ेगा, फिर बाजार से चीनी लेकर आनी पड़ेगी, कितना समय लगेगा, और थोड़े से स्वाद के लिए। और देखो ना, जो जिप्या रसगुल्ला 2 घंटे से मांग रही थी, 2 मिनट भी अपने पास नहीं रखती। रसगुल्ला 2 घंटे रहता कि जीत क्यों करे? 2 मिनट तो बहुत देर की बात है, 30 सेकंड में पेट में, ऐसा होता ना। तो इन सबको अपने वश में करने के लिए अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग तरीके से वश में करने की आवश्यकता नहीं, केवल मन को अपने वश में कर लीजिए। बस मन हमारे कंट्रोल में आ गया तो इंद्रियां सब अपने अपने ही अपने आप ही वश में हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का कर्ता धरता है मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो मन ही कर सजीत। कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती जब तक उसके साथ में मन ना जुड़ा हो। यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, जरूरी थोड़ी कि सबके सब मन से ही कथा सुन रहे हैं। कुछ लोग शरीर से बैठे हुए हैं, वो मन कहीं मंडी में घूम रहा होगा, पता नहीं आज क्या भाव है सरसों का। मन तो कहीं भी जा सकता है, इसको जाने के लिए ना टिकट चाहिए ना इसको वाहन चाहिए। हम लोगों को जाने आने के लिए गाड़ी भी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, लेकिन मन को जाने के लिए किसी वाहन की जरूरत नहीं, ना इसे टिकट चाहिए। ये बिना टिकट के ही सफर करता है। बैठे हो कथा में, मन रखा हो घर में, ऐसा भी हो सकता है। तो मन को वश में करना है। मन जाओगा, कथा में बैठे रहोगे और मन कहीं और रहेगा तो कथा में आने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर भी यही है लेकिन मन यहां नहीं है। और ध्यान से समझना, भले ही तुम यहां शरीर से कथा में ना आ पाओ, दुनिया में कहीं किसी भी कोने में रहो और मन से कहीं कथा में जाकर बैठ गए तो भी कल्याण होगा। एक कथा आती है इसके पीछे। एक महात्मा जी थे, अपने आश्रम में रहते थे, बड़ा भजन करते थे, बड़ी तपस्या करते थे। जीवन हो गया भगवान का भजन करते 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 करते, और उन्हीं के आश्रम के सामने एक सुंदर सा मकान बना था, वो था किसी वैश्या का। वैश्या के घर पर रोज अलग अलग नए नए लोग आते थे, लेकिन क्या गजब की लीला है प्रभु की। वैश्या अपना वो कर्म करती थी, महात्मा जी अपना भजन करते थे। कालांतर में जब दोनों के प्राण निकले तो वैश्या गई स्वर्ग में और महात्मा जी गए नरक में।
महात्मा जी ने पूछ लिया कि ऐसा भेदभाव क्यों, आपसे गलती हो रही है। जिसको नरक में जाना था उसे आपने स्वर्ग में भेज दिया, और जिसे स्वर्ग में जाना चाहिए उसे आप नरक में डालते हैं। महात्मा जी ने कहा, मैंने जीवन भर भगवान का भजन किया, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, और मैं हमेशा माला फेरता रहा, और मैंने देखा है जिसको आप स्वर्ग में भेज रहे हो ना, ये इसने रोज ही नए नए पाप किए हैं, इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया। यमराज मुस्कुराकर कहने लगे, यही तो तुमने किया है, तुम भले ही मंदिर में रहते थे लेकिन तुम्हारा मन वैश्या के घर में ही रखा रहता, हमेशा ही देखते रहते थे कि अब कौन आया, अब कौन गया, अब की बार कौन आया। तो मंदिर में रहते हुए भी मन दूसरी जगह था, इसलिए तुम्हें मिला नरक, और वो बिचारी वैश्यालय में रहकर भी वैश्यालय में रहती थी, कर्म भले ही बुरे करती थी लेकिन उसका मन हमेशा आपके चरणों में बना रहा। तो मन राग को जहां कृपा निधाना, जहां मन रहेगा वही कल्याण करने वाला है। तो अपने मन को अपने वश में करना है। इसलिए मां, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। योगो आध्यात्मिक पुंसा मतो नी श्रेयसा अंत्यतो प्रियत दुखस्य च सुखस्य च अंत्यतो परित्रियत दुखस्य च सुखस्य च। मां, अगर जीवन में कुछ सुख लेना है तो दुनिया में नहीं मिलेगा। ये संसार में अगर कोई सुख ढूंढे तो उसकी बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि संसार का नाम ही है दुखालय, दुखालयम शाश्वतम। प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई दुख है, और हम दुखों की दुकान पर सुख ढूंढ रहे हैं। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। गरीब कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। राम जी के दास कभी होते नहीं उदास। ये संसार है दुखों की दुकान। आप लोग बाजार जाओ, मार्केट जाते होंगे आप लोग, विचार करिए, सुनार की दुकान पर जाकर कहोगे आलू क्या भाव दिए, ईमानदारी से बताओ। स्वर्णकार की दुकान पर आलू मिल सकते हैं क्या? कपड़ों की दुकान पर पहुंच जाओ और कपड़ों की दुकान पर जाकर कहोगे भैया सोने का भाव क्या है, कपड़ों की दुकान पर तो कपड़ा ही मिलेगा, सोने की दुकान पर सोना ही मिलेगा, सब्जी वाले के यहाँ सब्जी मिलेगी। ऐसे ही दुखालय में दुख मिलेगा और सुखालय में सुख मिलेगा। दुखालय है संसार और सुखालय है परमात्मा का वैकुंठ। अब हम खड़े हैं दुखों की दुकान में और कामना कर रहे हैं कि बेटे से सुख मिल जाए, बहू से सुख मिल जाए, हमें भाई से सुख मिल जाए। नहीं मिलेगा जी, क्योंकि यहां पर सुख है ही नहीं, यहां पर दुख ही दुख है। हम लोग अपने जीवन की क्या बात करते हैं, जिनकी कथा हम सुन रहे हैं ना, मैया देवहूति के जीवन में कितने सुख होंगे आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि जिनके घर में ही बेटा भगवान बनकर आए, स्वयं परमात्मा जिनके बेटा बनकर खेल रहे हो, बिचारी वो मैया भी दुखी है। अब बताओ, हम लोगों को ये लगता है ना कि ये चीज मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। ये केवल हमारी ये गलतफहमी है। जिस चीज के लिए हम लोग परेशान है ना, जिसको वो मिली है ना, उसकी नजर में उसकी कीमत दो कौड़ी की। ये मन हमारा परेशान क्यों है मालूम? क्योंकि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम लालायत है वो हमें मिल नहीं पाई।
और ये स्वभाव है जीवन में, दुनिया में सबका स्वभाव है जी, जो वस्तु हमें मिल जाए चाहे कितनी अनमोल ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमें प्राप्त हो चुकी है, उसकी कीमत दो कौड़ी की रह जाती है, मात्र दो कौड़ी। और चाहे दो कौड़ी की ही चीज क्यों ना हो, अगर वो हमें मिल ना पाए तो उसके लिए जीवन भर रोता रहता है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि मां योग करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, अगर ये सारे काम आपने किए तो कल्याण हो सकता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सुंदर शांति शास्त्र का ज्ञान कराया, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंत गए कछु हातना, अंक रहे दस दूर। एक सूत्र है, संख्या के द्वारा ब्रह्म का बोध कराना ही सांख्य शास्त्र का उद्देश्य है। भगवान कपिल देव मैया को कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि मां ये सारा संसार शून्य की तरह है, इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन हां इसके साथ में अगर एक परमात्मा जुड़ जाए तो शून्य की भी गिनती हो जाती है। आप लोग सब थोड़ा हिसाब लगाना, इतने तो पढ़े लिखे सब बैठे ही हैं, अगर शून्य में शून्य जोड़ दो, अच्छा इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे तो इंग्लिश में दो, जीरो के साथ में जीरो लिख दो तो कितनी संख्या होगी बताओ, जीरो और जीरो, दो जीरो मिलाकर एक बन सकते क्या, नहीं बनेंगे, एक जीरो और बनाओ अब कितने बने, फिर भी जीरो, इकट्ठे 10-15 जीरो लिख दो, चाहे 100 जीरो भी क्यों ना हो तो 100 जीरो 100 जीरो भी एक बन सकती है क्या, बताओ उसकी कोई गिनती है, नहीं है, माने शून्य तो शून्य, जीरो इसमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये मत भूल जाना ताकतवर तो बहुत है, लेकिन इसकी वैल्यू कब होगी, जब एक परमात्मा उसके साथ खड़ा हो जाए। तो एक अगर लिखा हो और एक के साथ में अगर जीरो लिखा हो तो कितने बन गए, 10, एक जीरो और बढ़ाओ कितने बन गए, 100, एक और बढ़ाओ कितने बन गए, 1000, एक और बढ़ाओ 10,000। ईमानदारी से बताओ ताकत किसकी है, जीरो की कि एक की, एक की है ना, हम लोग भी जीरो की तरह अपने जीवन में घटा ले, हम सब जीरो ही हैं। जीवन भर हमने जो भी संसार का काम किया, मकान बनाया, बेटा बेटी के विवाह इत्यादि किए, व्यापार बढ़ाया, तो क्या किया, केवल जीरो के आगे जीरो ही लिखते जा रहे, बस गिनती कुछ भी नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आनंद की वर्षा हो रही है, लेकिन उन जीरो के साथ में एक और लिखा जाए, संसार में आकर अगर परमात्मा को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो एक के साथ एक जीरो भी हो तो भी उसकी गिनती है। ऐसे मान लो एक दुकान में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और झगड़ा किसका था मालूम, पंखा झगड़ा कर रहा था, कह रहा था कि मैं बहुत अच्छी हवा देता हूं पंखा, ये बात सुनकर कूलर से रहा नहीं गया, कूलर कहने लगा मैं अच्छी हवा देता हूं, अब दोनों लड़ने लगे मैं अच्छी हवा देता हूं, मैं अच्छी हवा देता हूं, मुझे चाहिए उठाकर रख लो, कूलर तो भारी होता है उसे हर जगह ले जाया नहीं जा सकता, दोनों में झगड़ा हो रहा था मैं श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ हूं, तब तक एसी कहने लगा तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम दोनों से बढ़िया तो नहीं हो, अब झगड़ा बंद ही ना हो, बहुत देर हो गई 3 घंटे हो गए झगड़ा होते होते, झगड़ा जब बंद नहीं हुआ तो बिजली ने कह दिया जब तुम तीनों ही बढ़िया हो तो मैं अपने मायके जा रही हूं, अब बिजली चली गई, और जो बिजली चली गई तो बिजली के जाते ही ना तो एसी का मुंह हिला, ना कूलर का हिला, ना पंखे का हिला, ये अपने मन में सोच ही रहे थे कि हम अच्छे हैं हम अच्छे हम अच्छे हैं, लेकिन इनका सारा काम तो बिजली के द्वारा ही हो रहा है। ऐसी दुनिया में हम भी बहुत लड़ रहे हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन जब तक परमात्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर नहीं होगी तब तक कोई कुछ भी नहीं है, सब जीरो बटा जीरो ही रहेंगे, वो एक परमात्मा की शक्ति। कपिल देव महाराज ने कहा कि मैया
बस एक यही है जो भगवान का भजन है। अगर प्रभु का भजन कर लोगे केवल वही संग जाएगा, बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। भजन के माध्यम से सुन लेते और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजा भी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, हो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, ओ मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, एक दिन समाएगी, एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तालियों की सेवा करेंगे और बाकी बिहारी लाल की पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, ओ माया मोह के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन में मौत, दिल की धड़कन में मौत, जिस दिन गुनगुनाएगी, जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ओ ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ओ ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। Thank you.
और ये बात रामायण में भी लिखी है, बड़े भगवान शरण पा, बड़े भगवान सुर दुर्लभ सद ग्रंथ लिखावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ लिखावा, बड़े भाग्यवान वही बात, अच्छे किए थे कर्म तूने पाया मानुष तन, तूने पाया मानुष तन, तूने पाया मानुष तन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख ये तेरा मन, अब पाप में डूबा है क्यों मूर्ख ये तेरा मन, ये पाप की नैया, ये पाप की नैया, ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, 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 भगवान की जय श्री राधे। मैया देवहूति को सुंदर शांत शास्त्र का ज्ञान कराया, मैया ने इस ज्ञान को प्राप्त करके आश्रम में ही भजन करना शुरू कर दिया और भगवान कपिल देव वहां से खड़े हुए सीधे गंगा के किनारे जाकर बैठ गए और जहां भगवान कपिल देव विराजे हैं वो स्थान अपने आप में एक तीर्थ बन गया जिसका नाम हुआ गंगा सागर। वहां हमारे कपिल देव भगवान का स्थान है और कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, वो हमारे भगवान कपिल देव का ही स्थान है। मनु महाराज की जो बड़ी कन्या है आकृति जिनका नाम है, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहां पर स्वयं भगवान यज्ञ नारायण बनकर प्रकट हुए। यज्ञ दे भगवान की जय। और सबसे छोटी कन्या प्रसूति देवी, ये प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ और दक्ष प्रजापति के यहां पर प्रमुख 16 कन्याएं थी। इन 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। कौन कौन सी बेटियां थी? श्रद्धा, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, प्रिया, उन्नति, बुद्धि, प्रतीक्षा, दुई और मूर्ति। इनका विवाह हुआ धर्म के साथ। एक और कन्या जिनका नाम है सुधा देवी, सुधा देवी का विवाह हुआ पित्तेश्वर के साथ, पितृदेव के साथ। 13 और एक हो गई 14। एक और बेटी जिनका नाम है स्वाहा, स्वाहा का विवाह हुआ अग्नि के साथ। और यही कारण है जब हम होम यज्ञ करते हैं तो आहुति जब चढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा, क्योंकि अग्नि देव की पत्नी का नाम है स्वाहा देवी। जब तक आपने
कोई भी आहुति चढ़ाते समय स्वाहा नहीं बोला तो अग्निदेव फिर उसको स्वीकार नहीं करते। तो अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा देवी, 15 बेटियां हो गई और सबसे छोटी कन्या जिनका नाम है सती, सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। ये कथा जब सुना रहे थे तो एक जगह यही चर्चा चल रही है भगवान भोलेनाथ की, और वो चर्चा चल रही है, संवाद चल रहा है हरिद्वार में। हरिद्वार में मैत्रेय जी महाराज कथा सुना रहे हैं और विदुर जी कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा वही है। अब देखो तीन जगह कथा हो गई, आप लोगों को होश है कि नहीं? सबसे पहले दिन जब कथा शुरू हुई थी तो कहां हुई थी? नैमिषारण्य में। वहां पर सूजी महाराज कथा सुना रहे थे, शौनक अट्ठासी हजार ऋषि सुन रहे थे, एक जगह हो गई। और कल हमने कथा में सुना परीक्षित जी को शाप लगा, गंगा के किनारे पहुंचे, वहां सुखदेव जी आए, उस स्थान का नाम पड़ गया शुकताल। हरिद्वार की तरफ जाते तो मुजफ्फरनगर के स्टेशन पड़ता है, मुजफ्फरनगर के पास उत्तर दिशा की ओर चलेंगे 30 किलोमीटर, जहां गंगा का किनारा है वो स्थान है शुकताल, और जिस वटवृक्ष के नीचे सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी वो आज भी है, उसका दर्शन हम आज भी कर सकते हैं। तो दो जगह हो गई, और तीसरी जगह हम अभी आपको बता रहे हैं वो हरिद्वार। हरिद्वार में मैत्रेय जी महाराज कथा सुना रहे हैं और विदुर जी सुन रहे हैं, कथा वही है। और तुम्हारे गांव बड़ौना में हम सुना रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, कथा वही है, अलग नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे अपने गांव में बैठे बैठे सुनते रहो, तुम्हारी मर्जी, हम तो सुखताल सुनेंगे तो सुखताल चले जाओ, तुम्हारी मर्जी हरिद्वार में सुनना हरिद्वार सुनते रहो, और तुम्हारी मर्जी नैमिषारण्य में सुनना है तो वहां जाकर सुन लो, कथाएं सारी एक ही। आप ये मत समझ लेना कि कल तो कुछ और कह रहे थे आज कुछ और कहने लगे। इस भागवत महापुराण में अनेक अनेक जगह पर कथा चल रही है। तो हरिद्वार में बैठे हमारे मैत्रेय जी महाराज ने जब ये प्रसंग सुनाया तो विदुर जी ने सुना, विदुर जी ने हाथ जोड़ कर कहा, महाराज कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम दृष्टि जगतो देवतम महत। मैंने सुना है कि भोलेनाथ तो बड़े शांत प्रिय देवता है, तो ऐसा क्या कारण बना कि भोलेनाथ को इतना क्रोध आ गया कि भोलेनाथ ने अपने ससुर जी का इससे उड़ा दिया? अरे ससुर जी का तो सम्मान किया जाता है, लेकिन भोलेनाथ जैसे महादेव, देवों के देव भी महादेव, और भोलेनाथ ने अपने ससुर जी का सिर उड़ा दिया, ऐसा क्या कारण था? मैत्री जी कहने लगे कि कारण बहुत बड़ा था, ये दक्ष प्रजापति भोलेनाथ का ससुर जरूर लगता है लेकिन बड़ा अभिमानी था, इसने अपनी बेटी सती का विवाह भोलेनाथ के साथ किया, हालांकि ये चाहता नहीं था लेकिन देवी सती की भी इच्छा थी, और सती तो साक्षात शक्ति है, और शक्ति का एक ही स्वभाव है, जन्म कोट लग रगर हमारी, वरों संभो नत रहो कुवारी। शक्ति तो हमेशा शिव की ही है, विवाह होगा तो शिव के साथ ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ना चाहते हुए बेटी का विवाह भोलेनाथ के साथ किया, दामाद तो बन गए लेकिन दामाद की तरह उससे प्रेम नहीं करता। एक बार देवताओं ने मिलकर पूरे हिसाब से विधि विधान से इस दक्ष प्रजापति को अपना अध्यक्ष बना दिया, बड़ा अभिमानी होगा, पहले ही अभिमान था, अब पद और मिल गया तो और ज्यादा अभिमान। सारे सभासद इकट्ठे हुए स्वागत करने के लिए, उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, सारे देवताओं ने खड़े होकर दक्ष को नमस्कार किया, लेकिन तीन देवता अपनी जगह पर बैठे रहे। जब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कोई सम्मान न दिया तो दक्ष नाराज हो गया। दक्ष ने विचार किया, ये तीन देवता मेरे आने पर खड़े नहीं हुए, मेरा अपमान हो गया। लेकिन नाराज तीनों से नहीं हुआ,
देखो एक गजब की बात, अगर अध्यक्ष जी तीनों से ही नाराज हो जाते तो बात समझ में आती। जब तीन देवता खड़े नहीं हुए तो नाराज भी तीनों से होना चाहिए था, लेकिन नाराज अकेला भोलेनाथ से हुआ। कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान नारायण की ओर देखा, भगवान नारायण को देखते ही कहने लगा कि ये तो भगवान ही है, अगर मैं इनसे नाराज होता हूं तो ये तो भले ही कुछ ना बोले लेकिन इनका चक्र बड़ा खतरनाक है, अभी गर्दन उड़ा देगा। ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो सोचा कि ये भी बूढ़े बाबा है तो मेरे पिता, और बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिता से बड़ा नहीं हो सकता। और किसी अधिकारी बेटे के आने पर पिता खड़े होकर सम्मान ना भी करे तो अधिकारी का कोई भी अपमान नहीं हो सकता, ये बूढ़े बाबा। लेकिन ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसे तो खड़ा होना चाहिए ना, ये मेरा दामाद है, मेरे बेटे के समान। केवल भोलेनाथ से ही नाराज हुआ, और इसका एक कारण यह भी है कि व्यक्ति हमेशा कमजोर से ही नाराज होता है। जो कमजोर होता है ना, जोर हमेशा कमजोर पर चलता है। आप देखना कोई दमदार हो ना, उससे कोई नाराज नहीं होता। कोई दमदार व्यक्ति दरवाजे पर आकर चार गालियां भी सुना देना और पड़ोसी कहने लगे कहो कैसा रहा, तो क्या कहेगा? नहीं, वो केवल बाबूजी मुंह से ही बुरा बुरा बोलते, मन से तुम्हें बहुत प्रेम। जो ताकतवर व्यक्ति होता है ना, उससे कोई नाराज भी नहीं होता। नाराज उसी से ही होगा जो तुमसे कमजोर होगा। एक पुराना दोहा सुनाए क्या आप लोगों ने? ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। सुनाए, पुराना हो गया ये, आजकल के जमाने के हिसाब से एक नया बनाया हमने। अब पुराना भले याद ना रहे लेकिन ये याद कर लेना, बताए ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, लेकिन बासो कतई ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। जो तुमसे ताकत में बड़ा हो उससे बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस दक्ष ने शायद यही सूत्र अपनाया। दक्ष ने विचार किया, ये शंकर मेरा दामाद है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? आज नाराज होकर और सभा के मध्य जाकर कहने लगा, वो सभा सदो, इस सभा के मध्य में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़ों का सम्मान करना नहीं जानते। ये जो शंकर है, आज इसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। मेरे आने पर इसने खड़े होकर मुझे प्रणाम नहीं किया, कहां से करेगा? चिता भस्म कृत स्नानम प्रेत संगस्ति भूषणम, चिता की भस्म रमाई घूमने वाला, भूत प्रेतों का संग करने वाला, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है? ये शिष्टाचार शंकर को नहीं आता। लेकिन मेरा कर्तव्य है इसको सिखाना, और मैं आज इसको दंड देता हूं, मैं कानून बनाता हूं, आज के बाद इसको शंकर को कोई भी अपने यज्ञ में स्थान नहीं देगा, मैं यज्ञ से बेदखल करता हूं इसे। भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी भरनी कहने लगे, महाराज आपके ससुर जी कितनी गालियां दे रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? भोलेनाथ तो इतने सीधे साधे हैं। भोलेनाथ कहने लगे, कोई बात नहीं, ससुर जी हैं, देने दो गाली, इनका अधिकार बनता है गाली देने का। नंदी ने कह दिया, तो महाराज ससुर जी हैं तो क्या गाली देंगे? भोलेनाथ ने कह दिया, हाँ विवाह के समय गालियां कुछ कम रह गई होंगी, सब पूर्ति कर रहे हैं। कुछ भी नहीं बोले, लेकिन जब कहा कि जाओ मैं यज्ञ से बेदखल करता हूं,